प्रॉपर्टी डीलर छोटू प्रजापति पर जानलेवा हमला कर फरार चल रहे विपिन सिंह के साथ ही राजकुमार को शनिवार को भी प्राइस पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर एक मुठभेड़ में दबोच लिया। पुलिस टीम पर फायरिंग कर राजकुमार ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। 15,000 के इनामी बदमाश राजकुमार की करीब 10 महीने से पुलिस को तलाश थी। उसके खिलाफ गुलेरिया थाने में हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार अभियुक्त के पास एक तमंचा, 315 बोर, खोखा 315 बोर, कारतूस 315 बोर, पल्सर मोटरसाइकिल UP 53 BP 1234 बरामद किया है। आपको बता दें, कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव निवासी राजकुमार उस टीम में शामिल था जिसमें 14 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी डीलर छोटू प्रजापति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में पुलिस मुठभेड़ में विपिन सिंह घायल हुआ था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं छोटू प्रजापति उक्त हमले में गोली लगने के बाद भी बच गया था। गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए SSP जोगिंदर कुमार ने बताया कि माफिया राकेश यादव के इशारे पर विपिन सिंह और उसके साथियों ने छोटू प्रजापति पर हमला किया था। विपिन सिंह जहां पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, वहीं अन्य को पुलिस ने एक के बाद एक कर गिरफ्तार कर लिया था, जबकि राजकुमार फरार चल रहा था। जांच में पता चला कि राजकुमार के खिलाफ गुलेरिया और पिपराइज थानों में कुल मिलाकर 4 मुकदमे दर्ज हैं। गुलेरिया और पिपराइज में हत्या के प्रयास की धारा में 2 केस हुआ है, वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। खुलासे के दौरान SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP जोगिंदर कुमार ने कहा, क्राइम ब्रांच और SOG की टीम ने और थानाध्यक्ष पिपराइज की टीम ने 15,000 रुपये का एक पुरस्कार घोषित अपराधी अरेस्ट किया है। इसका नाम राजकुमार पुत्र खदेरू है। यह 14 दिसंबर 2019 को एक प्रॉपर्टी डीलर छोटू प्रजापति के ऊपर हमला किया था इन लोगों ने, और इसी में वांटेड चल रहा था और इसमें 15,000 का इनाम था। पिछले 8 महीने से वांटेड था और इनाम अभी जून के महीने में हुआ था। यह अरेस्ट हुआ है और इस पर 4 मुकदमे में यह अरेस्ट किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में भी वांटेड था और 307 में यह अरेस्ट हुआ है। और ये टीम जो गिरफ्तार करी है वो पिपराइज, हमारी SOG की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम है। थैंक यू।